अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम स्पाइडर प्लांट के बारे में बात करेंगे। ये मेरे पास तीन वैरायटियाँ हैं इसकी। एक ये बिल्कुल सादा, इसमें कोई लाइनिंग शेड नहीं है, और एक ये देखें, इसके ये बाहर से वाइट है और अंदर से ग्रीन है, और ये अंदर से वाइट है और बाहर से ग्रीन है। ये मेरे पास तीन शेड हैं, तो ये मेरे पास अच्छे ग्रो कर रहे हैं। बहुत ही मच्योर प्लांट है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। ये 2-3 माह में बहुत ही खूबसूरत और हेल्दी प्लांट बन जाते हैं। ये मेरे पास काफ़ी हेल्दी प्लांट है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। 1-2 माह मतलब के लगाते ही ये कोई 10-15 दिन में ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। ये इनके अंदर से स्टेम्स आती हैं और साथ ही फूल लगते हैं। फूल तो खिल के बंद हो गए हैं और ये आगे से पौधे तैयार हो गए इसके। ये देखें, ये इसकी रूट्स आनी शुरू हो गई हैं। ये अल्लाह की कुदरत से इस तरह तैयार होते हैं, इसकी रूट्स नीचे आ जाती हैं। एक तो तरीका है, इसका मेथड ये है, ये पौधा तैयार है बिल्कुल लगने के लिए, तो ये हम इधर से फिर इसको ना ऐसे उतार देते हैं। ये देखें, ये 2 पौधे हैं। आप ऐसे इकट्ठा भी लगाते हैं तो काफ़ी घना और खूबसूरत बन जाता है। एक तो तरीकाकार इसका ये है, दूसरा इसके अंदर नीचे बेबी प्लांट भी बनते हैं, तो इस तरह ये ग्रो करता है। आप इसके जो डेड लीव हों वो आप निकालते रहे नीचे से, फिर पौधा हेल्दी खूबसूरत और साफ लगता है। अभी ये मैंने हाल ही में लगाया, 1 माह हो गया, लेकिन इसकी अभी बेबी प्लांट नहीं बने, इसकी भी शूट आ जाएंगी, तो ये भी उसी तरह ग्रो करेगा। आप ये देखें, इसको चेक करें, ये कितना खूबसूरत और हेल्दी पौधा है। इसको तो 1.5 प्लांट लग गए हैं। अगर ना भी हम इसको खोल के लगाएं तो इससे भी पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है, और नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, इनके स्टेम आने से कमज़ोर नहीं होता, बल्कि हेल्दी और ख़ूबसूरत लगता है। आप इसको बास्केट में भी लगा सकते हैं, तो ये इसकी ऐसे ही मतलब स्टेम्स निकलती हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत और खुशी पौधा बन जाता है। आप इस तरह जितने भी जाएं अपने प्लांट लगा सकते हैं। मैं आपके साथ तरीका शेयर करती हूँ इनको कैसे लगाना है। पॉट में मैंने घर की सोयल तैयार कर ली है, इसमें खाद मिट्टी सैंड वगैरह हर चीज़ मिक्स है, ये तैयार है। मैं मिट्टी को हमेशा तैयार रखती हूँ। अब हम इसमें एक होल करेंगे इस तरह, और ये एक हम पौधा लेंगे, रूट्स नीचे आनी शुरू हो गई हैं। बस इसको ऐसे ही रख के तो साइड से आपने प्रेस कर देना है, इधर से ये तैयार हो जाता है हमारा पौधा। अब हम दूसरा शेड लेंगे और इसको भी हम लगाएंगे। जो नीचे कोई डेड लीव हो तो वो निकाल दें, है तो कोई नहीं। तो आप ये देखें कितनी प्यारी रूट्स आ गई हैं, इतनी प्यारी रूट्स आ गई हैं, आनी शुरू हो गई हैं। अब आप इसको लगा सकते हैं। ये बरसात के महीने में भी आती हैं रूट्स, और इस महीने में भी ये फूल लगते हैं तो साथ ही तैयार हो जाता है। इस तरह आपने अपने पौधे तैयार कर लेने हैं। जितने चाहे आप अपने घर में पौधे तैयार करें, बास्केट में लगाएं, गमले में लगाएं, पॉट में लगाएं, ये बड़े अच्छे ग्रो करते हैं। इसको ज़्यादा खाद और धूप की तो ज़रूरत कोई नहीं होती, ये छाँव में भी लग जाता है और धूप में भी लग जाता है। ये दोनों तरफ ग्रो करता है, ये बहुत इजी ग्रो है। अपने घर को खूबसूरत बनाएं, प्लांट लगाएं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।